मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। नई फिल्म की शुरुआत हुई है नरसिम्हा, तो बताएं जरा। सबसे पहले मैं प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे जितने भोजपुरी दर्शक, हमारी भोजपुरी समाज में सबको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं भैया। आज मेरी फिल्म नरसिम्हा का हम लोग शूट से ही, मुहूर्त से ही शूट कर रहे हैं, गाना का सॉन्ग कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर हमारे सुजीत भैया है, जो कि हमारे लिए डायरेक्टर ही हमारे बड़े भाई हैं। और आज के दिन मेरे लिए बहुत बड़ी दिन है, मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि जो मैं इनके साथ काम करने जा रहा हूँ, इनके डायरेक्शन में मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर तो मैं नहीं बोलूँगा, हमारे दोनों बड़े भाई हैं, कि जो आज के डेट में एक न्यू एक्टर को लेके फिल्म बना रहे हैं, चले ना चले वो भगवान के ऊपर है, लेकिन हम अपील करें कि भैया इस फिल्म को मैंने चले जी। सुजीत जी, कैसी फिल्म है नरसिम्हा? नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह। सबसे पहले हमारे मीडिया कर्मी के जितने भी लोग आए हैं उनको मैं सत प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्हीं के भरोसे हमारी फिल्मों की पब्लिसिटी होती है, हमारी होती है, या जो भी हमारा मैसेज है आप लोगों के माध्यम से आता है। तो आपने सर पूछा फिल्म के लिए, तो फिल्म जो है टाइटल नरसिम्हा है, हमारे हीरो स्टार है प्रिंस सिंह राजपूत जी, प्रोड्यूसर साहब हमारे आलम सर है, रमेश जी है। रोमांटिक एक्शन लव स्टोरी पिक्चर है और नरसिम्हा जो है हमारे हीरो का कैरेक्टर नेम है, मतलब हीरो मीन्स टाइटल, टाइटल मीन्स हीरो। बाकी जो है हम इसमें हमारे ये रूपा मिश्रा जी है, एडी है, निधि झा गेस्ट अपीयरेंस कर रही है, उमेश सिंह है, मतलब काफ़ी लगभग 20-22 आर्टिस्टों का भी चयन भी होना बाकी है, क्योंकि हम लोग ऑन द वे अभी है, तो लगभग इंडस्ट्री के लगभग लोग हैं। मैं ये सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है आप सबसे बेहतर जवाब इसका दे सकते हैं। नरसिम्हा सनी देओल साहब की जो फिल्म थी, बड़ी हिट फिल्म थी, उस फिल्म का और इस फिल्म का कितनी प्रतिशत सिमिलरिटीज हैं? इससे पहले भी सर पता होगा, हमने पवन जी के साथ सत्या, धड़कन, वांटेड सब हिंदी टाइटल बनाए हैं, तो कोई भी हमने जो पिछले फिल्म बनाई उसमें कोई भी टाइटल पिछले फिल्मों से नहीं है। तो वो सनी जी को जो, सनी देओल जी की जो फिल्म थी नरसिम्हा, और इसमें वो उनकी कहानी अलग है, इनकी ये कहानी अलग है, तो डिफरेंट है चीज़। कोशिश है कि जो ये हम बना रहे हैं लोगों को अच्छा लगे। कितने दिन में फिल्म पूरी हो जाएगी और कहाँ शूट करना चाहते हैं? ये लगभग एक महीने का शेड्यूल है पूरा, जो मतलब एक शेड्यूल बॉम्बे करेंगे और दूसरा शेड्यूल वहाँ यूपी में करेंगे, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह, मतलब लखनऊ में काफ़ी जगह शूट है। रमेश चैन, सब पारिवारिक हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, प्रिंस भाई फैमिली रिश्ते हैं, सब चैन हुआ है, ऐसे अच्छी सब लोग इसमें अच्छे हैं। पारिवारिक विषयों के साथ साथ आपको क्यों लगा कि प्रिंस एक अच्छे अभिनेता? लगा इसका टाइटल देख के लगा, जैसे भी आपने कहा कि सनी देओल को लेके, तो सनी देओल से कम थोड़ी ना है कर सको, ये तो देखने लगा कि बेहतरीन एक्टर है इसके लिए। खान साहब जी, पहले तो आप सभी भोजपुरी समाज से जुड़े भाई लोगों को नमस्कार। इस फिल्म में जैसे कि पहले ही आपने प्रिंस जी ने बताया आपको कि हम लोग इनके लिए जो है एक छोटे भाई और बड़े भाई के तमाम के रिश्ते हैं, और हम लोगों ने ये भोजपुरी समाज जो है आज के डेट में हर आदमी अपने समाज के लिए जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो हम अपने समाज भोजपुरी समाज के लिए पिक्चर बनाना चाह रहे थे और हमने इसकी शुरुआत किया और आपके साथ में किया। और जो ये फिल्म है, फिल्म के अकॉर्डिंग जो करेक्टर है, उस करेक्टर के लिए जो है इनसे कोई बेहतर आदमी या बेहतर कलाकार था ही नहीं और ना है, और ऊपर वाले से हमारी यही दुआ है कि आने वाले दिनों में ये जो है भोजपुरी इसमें फिल्म इंडस्ट्री में बाहुबलिया क्या मिलते हैं, बाहुबली के नाम से जाने जाते भी हैं और जाने जाएंगे भी जो है, तो हमारी तमन्नाएं हैं कि और आगे और फिर जो है जैसे ये शुरुआत होगी कुछ आगे बढ़ेगी, फिर हम लोग और फिल्म बनाने जा रहे हैं इसी लगातार लेकर के, ये कंटिन्यूस चलने वाला, अब रुकने वाला नहीं है। और अब तक का रिकॉर्ड है हमारा कि हमने जो भी काम किया है वो नंबर वन पे किया है, और चाहेंगे कि ये भी फिल्म भी एक नंबर पे रहेगी। इसीलिए इस फिल्म में जो है जो भी लिया गया, जो है जैसे कि जो टॉप क्लास के लोग हैं आज के डेट में, सुजीत जी का नाम है, वीरू ठाकुर जी का नाम है, ओम जी का नाम है, कैमरा, जो भी, तो जो भी ये टीम है वो नंबर एक का लिया गया और एक नंबर का लेकर के जो है, और कोशिश यही रहेगी फिल्म भी वैसे ही बने और ऐसे ही जा करके हिट।
और आगे जो भी फिल्में आएंगी, जो अच्छी जो टीम होगी भोजपुरी समाज की, इंग्लिश में हिंदी में जो भी लेगी, वही लोगों को लेकर के काम हम लोग करेंगे। तो प्रिंस भाई जी एक्साइटेड है, शूटिंग शुरू हो रही है जी, बहुत ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा है जी, लग रहा है कि मैं पहली फिल्म करने जा रहा हूँ, इससे एक्साइटेड है। अच्छा सुजीत जी, वीरू ठाकुर, सुजीत कुमार सिंह, पवन सिंह, ये सारे नाम जब एक लाइन में आते हैं तो समझ जाते हैं कि फिल्म अब कुछ अच्छी बनेगी, लेकिन इस बार एक नाम मिसिंग है, पवन सिंह नहीं प्रिंस है उसमें। देखिए कोशिश तो हमारी है कि मतलब फिल्म उस लेवल की बने, वो भी प्रिंस है पास है, भी वो भी पवन जी है पास है, पीछे प्रिंस है, तो फिल्म बनने के बाद मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि फिल्म अच्छी बनेगी, और म्यूजिकली एक्शन वाइज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से कमजोर ना, बाकी जनता जनार्दन। हाँ एक बात तो वीरू ठाकुर से पूछ लेते हैं, ठाकुर कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आप लोग? ठाकुर ऐसा हो रहा है कि फिल्म में पवन सिंह नहीं है, राइटर आप ही हैं, पवन सिंह नहीं है, प्रिंस जी हैं जी, जी। कहानी प्रिंस को ध्यान में रख के लिखी गई या फिर कहानी के लिए प्रिंस फिट बैठ गए? नहीं कहानी इनको ध्यान में रख के लिखा गया है। अच्छा प्रिंस को ध्यान में ही रख के लिखा गया है। आप आपके बारे में कहा जाता है कि पवन सिंह के बारे में लिखने में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बाकी आर्टिस्ट के बारे में शायद ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है सर, आर्टिस्ट जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिपेंड करता है, वो अगर हमको अनुबंधित करते हैं तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर। अच्छा ये बताइए, मैं ये सवाल अक्सर पूछ रहा था, आप राइटर हैं आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे, ये सनी देओल साहब वाली जो नरसिम्हा है उससे एकदम विपरीत, एकदम विपरीत है, अलग होगा, कथा भी उससे डिफरेंट होगा, है ना, प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होगा, उसका कोई भी जिस्सर आपको इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा खाली नाम हो है? नाम ओनली। अब जो लुक है प्रिंस का, बेसिकली माथे पे टीका लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष, ऐसा लगता है जैसे कोई पुजारी है, क्या वो रोल को डिफाइन कर रहा है? नॉर्मल लाइफ में भी इंसान ना हर तरह का रोल प्ले करता है। अच्छा अब 2 घंटा रोज पूजा भी करते होंगे, उसके बाद ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के बन के जाते हैं, तो वही इसमें भी है, एक बंदा है पापा के साथ इन्वेस्टर लाइफ की कहानी होगी। अच्छा लेकिन हम लोग कौन सिंह की तरह एक्शन नहीं करते, रिशुम रिशुम नहीं करते हैं। कौन? हम लोग। अच्छा हम पूजा करते हैं ऑफिस में काम करते हैं, पवन जी भी रियल लाइफ में नहीं करते होंगे, हमको लगता है स्क्रीन लाइफ पे करते होंगे। अच्छा मतलब एक्शन सीन जो है बेसिकली एक्शन ड्रामा कितना होगा फिल्म में? एक्शन ड्रामा फिल्म ही है, क्या मतलब उसको गैंगस्टर के लाइफ को। बस आप लोग से बात चाहिए, बात चाहिए, आज हम लोग एक बात कर रहे हैं। बाबा सलमान जी कैसे हैं आप? जी एकदम फर्स्ट क्लास, कमाल करते हैं आप लोग, स्वागत नहीं करेंगे? बिल्कुल स्वागत कीजिए, हमारे दोस्त हैं मिस्टर प्रिंस, जिनकी ये फिल्म है नरसिम्हा, और मैं इसके मुहूर्त पर आ गया हूँ, मुझे भी इनविटेशन मिला तो मैं सोचा चलो यार फिल्म का मुहूर्त है तो वहाँ जाना चाहिए, हमारे दोस्तों की फिल्म बन रही है, और हमारे इसके प्रोड्यूसर हैं खान साहब, सलाम वालेकुम साहब, और मिस्टर यादव जी जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और हमारे भाई प्रिंस तो यार माशाल्लाह ऐसे एकदम हट्टे कट्टे तगड़े हैं, और मैं सुन रहा हूँ कि फिल्म एक्शन मूवी है, आजकल एक्शन मूवी फिल्म में लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि अब रोमांस में इतना वो दम नहीं रहता, क्योंकि वो होते नहीं, आजकल लोग जाते हैं दिल घर पे रख के सिर्फ दिलो जान से देखने के लिए, तो इस फिल्म को मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बनाए ऐसा कि लोग दिलो जान से जाएँ और अपने घर परिवार को लेकर जाएँ और फिल्म देखें। भाईजान वाले स्टाइल में शुभकामनाएं नहीं दी आपने? हमारे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस फिल्म के लिए, और ये फिल्म इतनी बड़ी सुपर हिट शो कि लोग देखें और देखते रह जाएं, साथ साथ एक साथ और सबके साथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे वाले बिहार के हमारा गांव जो है बिहार के बॉर्डर पे, बिहार का जिला है कैमूर, जो हमारे गांव के दिखाई देगा का लिया, और इसमें हमने जो है अपने भाई की तरह देते हैं, राजपूत का
बलरामपुर पढ़ता है। अच्छा। लेकिन हम लखनऊ में 2001 में पढ़ाई करने के लिए तब से अपना लखनऊ पूरा सेटल लखनऊ वाले हो गए। जी जी 2001 से तब से। फिल्म पहली बार बना रहे हैं शायद? नहीं पहली बार तो नहीं कहेंगे, दो तीन फिल्मों में और रहे हैं लेकिन मेन फ्रंट पे अभी आए। अच्छा जी, तो ऐसा क्या हुआ कि फ्रंट में आपने खुद खेलने का मन बना लिया? नहीं ऐसा है कि प्रिय भाई काफ़ी दिनों से हम लोगों का एक रिलेशन रहा, साथ में रहे हैं और उनके अंदर ये चीज़ ये भी देखा है, हर लोगों के ऊपर वो नहीं किया जा सकता जितना उनके ऊपर, कि कोई चीज़ अगर काम करते हैं तो बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, हम लोग अपनी लाइबिलिटी उतनी नहीं समझते हैं जितनी उन्होंने की है। पूरी काम जो भी किए हम देख के और फिल्मों में देखा, इंडियन में देखा, मिशन पाकिस्तान में रहे, साथ में काफ़ी काम किए हैं साथ में, इसलिए कि अपने लगा कि ये फिल्म भी अच्छी है, फिल्म भी अच्छी है, तो इसलिए हमने यही करना चाहता हूँ। उसी और भी फिल्में बनाई जाएंगी? हाँ कंटिन्यू। खान साहब जी, ये तो एक फिल्म की आपने शुरुआत की, आगे क्या ख्याल आते हैं? आगे ख्याल यही है कि आगे जो है ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहेगा, रुकने वाला भी नहीं है। सब अच्छा रहा है, आप लोग ऐसे साथ दीजिए, सब चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल चले गए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास इतना इस वक्त में जो है समय नहीं था, और हम लोगों को था कि इस पिक्चर को जितना जल्दी से जल्दी जो है सही मतलब कि सही टर्म समय पे ला कर जो है, और दूसरी जो करेक्टर है और जो गैंगस्टर रोल है वो स्क्रीन से अच्छा कोई उस पर इसलिए हम दूसरी चीज़ की हम लोगों की बहुत सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत सारे रोल जो है ये बहुत ही बखूबी और ईमानदारी के साथ जो है आज मुंबई में जो है प्रिंस सिंह ही निभा रहे हैं और पूरा अपने कंधे जिम्मेदारी लेके अभी हम लोग अब तक कोई दूसरा फिल्म करता प्रोड्यूसर 10 बार का टाइम पूरी जिम्मेदारी जितना हम अपने होते हम अपने नहीं कर पाते जितना जिम्मेदारी पूरा सारा काम अब लखनऊ से जी। कैसे जुड़े हैं फिल्म के साथ? फिल्म में मैं प्रिंस भैया के साथ जुड़ा हूं और ये मेरी पहली फिल्म होगी नरसिम्हा, मैं उनके दोस्त का किरदार किया हूं उसमें और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सीन या रोल करके, और इसके हमारे डायरेक्टर साहब हैं फिल्म के सुजीत जी, वो सिंह माने जाते हैं, तो मुझे बहुत उनके साथ ये रोल के लिए दोस्त है, नेगेटिव शेड है। वो एक्चुअली इसमें अच्छी लड़ाई दिखाए हैं, जैसे ये एक बहुत बड़े घर के बेटे होते हैं तो हम लोग इनके दोस्त होते हैं, हाँ तो इनके हमेशा हाँ रियल भी दोस्त हैं और वैसे फिल्मों में भी दोस्त हैं, और उस फिल्म में यही दिखाए हैं कि हम लोग इनके दोस्त हैं और इनके हमेशा सुख दुख में इनके साथ हैं, यही हम लोग का। मतलब जब आपकी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोस्ती होती तो ऑन स्क्रीन दोस्ती की माना थोड़ा आसान होगा शायद, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जी 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 बिल्कुल राइट। कैसे अभिनेता हैं प्रिंस? बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इनकी कई फिल्में आई हैं और सभी, क्योंकि ये इसलिए भोजपुरी में सक्सेस हैं कि ये सन्नी पाजी के बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं सन्नी पाजी, और बाकी सन्नी पाजी का क्या हाल है, उन्हें कितना लोग लाइक करते हैं, कितना तो बिल्कुल भोजपुरी में सेम सन्नी पाजी वाला ही कंडीशन इनका है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.